आधार पर सुपौल पुलिस ने बरवारी गांव से एक हरियाणा नंबर का छोटा कंटेनर एवं बिना नंबर प्लेट वाले बोलेरो पिकअप वैन को फर्नीचर से लदा हुआ था, जिसके नीचे भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को बरामद किया है। हालांकि इस शराब की बरामदगी पटना उत्पाद पुलिस की निशानदेही पे हो पाया। पटना उत्पाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक हरियाणा नंबर का छोटा कंटेनर एक बिना नंबर की बोलेरो पिकअप वैन, जिस पर घरेलू फर्नीचर का सामान लदा हुआ है, जिसके अंदर भारी मात्रा में शराब लाया जा रहा है, जिसको पटना उत्पाद पुलिस ने पटना से पीछा करते हुए सुपौल सदर थाना के बरवारी गांव से बरामद किया है। दोनों गाड़ी से कुल 1452 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया है। एक तरफ बिहार सरकार बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कर दिया है, लेकिन शराब माफिया बिहार में लगातार शराब का हेराफेरी करते रहते हैं। शराब माफिया खुलेआम बिहार में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आखिरकार शराब माफिया हरियाणा से शराब लेकर बिहार कैसे चले आए? शराब माफिया पुलिस प्रशासन कानून को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि इतनी दूरी तय कर हरियाणा से शराब लेकर बिहार पहुंच कैसे गया। सोना रानी के साथ सुपौल से बलराम कुमार की रिपोर्ट। महत्वपूर्ण बरामदगी है। यह बरामदगी मदद से टीम के सूचना पर स्थानीय पुलिस के द्वारा किया गया है। इसमें 1452 लीटर अंग्रेजी शराब है, जो कि मूलतः हरियाणा से लाया गया प्रतीत होता है। जो कंटेनर है वो हरियाणा का है और जो पिकअप वैन है वो बिहार का है, स्थानीय है। ये बरवारी के पास से रिकवरी हुई है। हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड अनुसंधान करेंगे और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उन तक पुलिस पहुंचेगी। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।